भाई साहब ने ले लिए, अभी देख सकते हो, आपको बताते हैं बने वीडियो के साथ। मैंने 6 महीने के बाद ये पोर्टेबल सिलेंडर 6 महीने के बाद मशीन के लिए, ठीक है, फिर वारंटी में चल जाएगा। रिपेयर होता ही नहीं ना, वारंटी का मतलब होता है रिपेयर करना। गारंटी दे रहे हैं 12 महीने की गारंटी दे रहे हैं। नहीं बता रहा मैं, कंपनी एग्री नहीं करती, उसमें कंडीशंस लिखी है। ये कितने का दाम है? ये 120 रुपये। कितने चल रहे? वापस नहीं कुछ पड़े भैया, जितने वापस भर के मिलते क्या? फिर भर के मिलते क्या? हाँ कितने में? देख सकते हो आप गाइस, बढ़िया है, चिकन दर हम कर रहे थे। हाँ आमलेट आमलेट सबके काम में आता। हाँ कितनी गैस रही थी इसमें? इसमें काका जैसा चलाओ तुम वैसा हल्का चलाना पड़ता उसको। कौन सा दूं मैं? बाकी मजा आ जाता। निकाला पूरा 5:30। चलो गाइस तो ले लिए भाई जी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी पनीर रेटो के साथ। बाहर कहीं गए तो कॉफी वॉफी बनानी नहीं, लेकिन वो साला वो इलेक्ट्रिक का जो रहता ना, वो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है। ये अच्छा है ना, ये बहुत बढ़िया है, एक नंबर चीज है। तो ठीक है गाइस, हम रख रहे हैं अभी सब कुछ, देख सकते हो आप। आपको भी लेना होगा तो ये दुकान पे आ जाना, ठीक है ना? ये यारी दुकान देख सकते हो आप। हाँ बहुत कम प्राइस में मिलता है यार। हाँ लेबोरेटरी सेल्स देख सकते हो, दुकान का नाम पढ़ लो। गाइस घर के लिए निकल गए अभी हम। आपको अब फिशिंग नहीं है क्या? फिशिंग करेंगे तो आपको उसका पूरा ब्लॉग बताएंगे, ठीक है ना? तो अभी फिशिंग करने कब जा रहे भाऊ? संडे तो संडे की दिन आपको पूरा ब्लॉग पूरा वीडियोस बताएंगे, ठीक है ना? तो बने रहिए वीडियो के साथ में। कल की पिक्चर भी आ गई, देख सकते हो आप। अभी घर को जाके आपको तो पूरा एक और बार अच्छे से सामान बता देंगे, है कि नहीं भाऊ? ओके उस मैक्स मॉल को भी देख सकते हो आप। उसके बाद तो आपका क्या काम है पता है? फिर फिशिंग करने गए, जब आपको देखने का सिर्फ पूरा सामान कैसा सेट होगा, कैसा होगा, फिशिंग करेंगे तो क्या क्या लगेगा, ठीक है ना? तो ऐसे आपको पूरा देखने का ब्लॉग अभी BTS के साथ में बने रहो। तैयारी चालू हो गई संडे के दिन की जाने की, देख सकते हो आप। फिशिंग की पूछ के रखना पड़ेगा, पानी से गीला हो चुका तब ना ही। हाँ तो इसको भी पूरा साफ करके रखेंगे, फिर अपना गैस सिलेंडर इसी में। ये गैस सिलेंडर आपको कहीं भी जाना है पिकनिक तो आप बना सकते हो, क्यों भाऊ? बहुत बढ़िया है, इसमें आप कुछ भी तुरंत रेडी कर सकते, सूप वगैरह। हाँ कॉफ़ी वगैरह आप तुरंत बना सकते। अपनी कैल्शियम की गोली पूरी गीली हो चुकी है पानी से, ठीक है कोई बात नहीं। काई के लिए लगती वो गोली? कैल्शियम की गोली है वो, उसमें अपना ग्लूकोज की गोली हो। हाँ तो मीठेपन के लिए वो डालते हैं अपन उसमें। मच्छी के लिए है क्या? मच्छी के लिए अपने पास रॉड भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, देख सकते हो गाइस आप। ये पावर हंटर की 2 राटा है, सामान टेली पार्टनर की 2 राटा। हाँ सामान पूरा है, और 2 पीस की 4 रॉटा है अपने पास, जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, अंदर रखी है। हाँ इसको अपन साफ कर लेंगे मस्त कपड़े से, क्योंकि पूरी गीली हो चुकी थी। हाँ फिशिंग के टाइम इसको साफ करना जरूरी है। हाँ देख सकते हो भाई साहब साफ हो गई। ये KT500 है। हाँ TX बहुत बढ़िया मशीन है। हाँ ये डाइवा, ये मशीन देख सकते हो आप, डाइवा की मशीन। हाँ दिख गया, इस तरीके से लगती है, इसको गोल घुमाए। हाँ
भाई यहाँ क्या फिट करेंगे? यहाँ इसमें से धागा निकलता है। हाँ मशीन देखिए कैसे खुलती है, देख सकते हो भाई साहब मशीन कितनी कितनी बड़ी है। 7 फीट रॉड है, 7 फीट देख सकते हो, बहुत लंबी है गाइस। जब इसका सेटअप लगेगा, हाँ जब अपन संडे के दिन तालाब पे जाएंगे इसका सेटअप बताएंगे आपको, फिर उसके बाद अपने पोर्टेबल गैस के बारे में बताएंगे। हाँ इस पे अपन उस टाइम कॉफी बनाएंगे। हाँ आपको पूरा वीडियो बताएंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। चलो अभी बाय, संडे को मिलेंगे। ये आए हम फिशिंग के लिए, ये आपको बताया था पोर्टेबल गैस सिगड़ी, इस पे हम अभी कॉफी बनाएंगे। ये चालू है अपना, इसको जरा सा थोड़ा सेट कर दो बराबर, देखते हैं अपन सेट करने के बाद कैसा होता है। पहली बार कर रहा है, वो घुमाया ना हाँ घुमाया। अभी तक हम मोल की लाके पीते थे, आज खुद ट्राई करें, क्योंकि बार बार हमको जाना पड़ता नहीं है फिशिंग के टाइम। हाँ सक्सेस है। हाँ बढ़िया ठीक है, बढ़िया है। पहले दूध डाल देते हैं इसमें पूरा पैकेट का, इसमें बर्फ जमा है अभी, घर से डीप फ्रीजर में रख दिए थे, रात में लिए थे, तो इसको थोड़ी देर से डालेंगे। डाल दो ना ऐसा, ये फाड़ो ना ऐसा, देखते ना इसको अभी हो जाता 2 मिनट में। शक्कर कितनी डालती है मालूम नहीं, फिर भी अंदाजे से डाल देते हैं। ठीक है देखो इतनी डालू भैया, डालो ना थोड़ी सी और डाल। इसको यहीं रहने दो, कॉफ़ी के 2 पैकेट डाल देते क्योंकि अपने पास कुछ मिलाने के लिए है नहीं। एक ही ठीक है, एक ही बहुत होती है, देखेंगे ना वो बनने के बाद। नेस्ले की कॉफ़ी है 2 रुपये वाली। अब इसको चालू करते हैं, जरा मुड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गैस देखिए आइए इधर नगिस्ते दिखाइए, ये इसका सिलेंडर का है जो लगा है गैस का, गोदरेज कंपनी का। इसको अपन ऐसे चालू करेंगे, ये गैस निकली अपनी, ये चालू हो गया, ऐसा रख दिया। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देते, बस जल्दी से हमारा ये पिघल जाए। ऐसा निकालो ना, तोड़ो ना उसको, अब दांतों का ही काम करना पड़ा। अरे वाह बर्फ, ये देखो कैसा बर्फ जमा है दूध। पावर भी बढ़ता है उसका, पावर भी बढ़ता है, बाकी अपन बढ़ाएंगे नहीं। हाँ आज में होने दो, दूध ठंडा है, थोड़ा और पावर कम करो लगे तो। ये बन रहा है अपना कॉफी, ये संदीप भैया, ये सुभाष काका,
ये अपनी छड़ियाँ लगी है, ये अपनी गाड़ी। अब बनने के बाद आपको बताएंगे कैसी बनी। अरे कॉफी बन गई, वहाँ बॉटल हमारी मच्छी लेके भागी। अरे बढ़िया, गैस बंद करना पड़ेगा अभी, सॉरी। आपको थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पिलाएंगे, अभी बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पिलाएंगे। पहले हमारा जो मिशन है मच्छी का, जिसके लिए हम आए हैं, ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब हम खाने बैठे या कुछ पीने बैठे तो हमारे साथ मच्छी अक्सर हमारा झब्बू लेके भगेंगी, छड़ी लेके भगेंगी, बॉटल लेके भगेंगी। अब देखते हैं क्या है भैया। चप्पल क्यों नहीं पहना? अरे अब वो चप्पल कहाँ रखा मैंने भूल गया। पहले देखो क्या है। ये मेरे ख्याल से टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, ये कतला पीस हो सकता है। ला बताओ, हाथ से खींचन लो, पकड़ो मोबाइल। सुभाष काका क्या हो सकता है? सुभाष काका से पूछते अपन क्या हो सकता है, बता नहीं रहे। काय का पीस हो सकता है काका? रहू है तुम्हारे धागे में जा रहा है हमारा पीस। सुभाष काका का कहना है कि ये रहू है। अभी बाहर निकालते अपन देखते हैं क्या है। किले में गया मेरे ख्याल से तो मिर्गल है। अब देखते हैं, राहू का भी राहू का ही है। हाँ किले में जा रहा है यार भैया, बार बार राहू का है। लो एक दो फेंकेंगे नहीं, राहू का पीस है। मिर्गल है, मिर्गल मिर्कल का पीस है। लो नहीं इधर। चलो बढ़िया पीस, शुरुआत हो चुकी है आज की। हमारी कॉफी ठंडी हो चुकी है, साईं बाबा आ चुके हैं, लकी मैन। लो साईं बाबा हरी हो लेट, वो सामने ही रखी। मिर्गल कट कर दो, कट कर दो, पानी में डाल दो। चालू करें। ये अपनी मच्छी आ गई थी तो लेट हो गया, इसकी वजह से अब फिर से चालू करेंगे। गरम करना पड़ेगा। फिर से हमारी कॉफी गरम हो रही है। शक्कर डाल दो थोड़ी सी और। थोड़ी और डालो शक्कर? संदीप भैया बोल रहा है थोड़ी शक्कर और चाहिए, डाल देते हैं। मीठी पीने की आदत है शायद संदीप भैया को। आ जाइए काका। तो कब दे देना आपके पास के भैया? हमारे पास स्पून नहीं है तो हम इससे उसको हला रहे हैं। आ गया सस्ते में।
बढ़िया चलो बंद करते हैं। एक दोन धन हो गई है अपनी गटका ये तो आंदो गटका पहले आ गया ना उबाला आ गया ना उबाला अच्छा आने को ना गल गया हाँ क्या बन किया ना कुछ नहीं है तो चलो ठीक है अपने पास नैपकिन तो है थोड़ी मदद लगेगी सुभाष काका संदीप पियो ले उठा गरम गरम पियो ठंडा ना पीजो रे बाबा लो साई बाबा अब ये आखिरी का मैं लूंगा मेरे लिए और इसमें बच भी गई है बहुत काफी बच गई है बढ़िया कैसी बनी कैसी बनी संदीप भैया अभी टेस्ट करो मीठी बनी लाइए दीजिए जाओ गया ना चाय गया ना लो चाय नहीं है कॉफी है कॉफी क्या ना आइए कॉफी लीजिए सर काम चालू कर दिए लेकिन वीडियो बना रहे लो ओंदे ओंदे ओनो हो गई है अरे बहुत है पी के बताइए कैसे लगे क्योंकि आप हमारे गेस्ट है जरा टेस्ट करिए वंडरफुल टेस्टी एकदम बहुत जबरदस्त है आपकी कॉफी थैंक यू सो मच सर को बढ़िया पसंद आई है सुभाष काका अपने कोंटे में जाके पी रहे हैं ये अपनी तीनों चारों पांचों छड़ियां लगी हुई है संदीप भैया साई बाबा और ये मैं ये अपना दूसरा कैच है डाइवा की मशीन क्रोकोडाइल की रॉड है अब देखते हैं कौन सा पीस है ये अपना दूसरा कैच बढ़िया आ रहा है धीरे धीरे देखो काका शारू पतोले खींच रहे हैं उनके देखो वहाँ एक और डला हुआ है भैया छुट्टी ये आया अपना अरे बढ़िया ये पीस की इंतजार था यही पीस लगा बहुत बढ़िया ये होता नहीं है अक्सर मेंढकी पे लगता है दिखाइए संदीप भैया ये मरल है पौप बहुत पौप बढ़िया पॉप अप पे लगा है वो भी बताइए बढ़िया भाई ये इसलिए लग गया अपने को इतने गहरे में क्योंकि पानी बहुत कम है ये मेरा फेवरेट पीस है मरल दूसरा कैच बढ़िया कैच अच्छा बड़ा है तीनक पाव का नहीं तीनक पाव का नहीं है आधा किलो हाँ आधा किलो है चले डालते इसे डाल दो बंद करो तुमको इधर लाना पड़ेगा ये तीसरी कैच है संदीप भैया के झब्बू पे लगा हुआ है बढ़िया जो भी निकालेंगे भैया बढ़िया निकलेंगे ऐसी उम्मीद है आपको क्या बोलते हो कुछ तो बोलिए तुम बोलते बहुत कम हो अरे देखते ना अभी क्या निकलता था ये दुर्लभ कश्यप की भी कॉफी दिख रही है यहाँ नहीं नहीं आप ही खींचिए आप ही खींचिए मैं खींचू ठीक है है क्या है बढ़िया पीस दिख रहा है
इसका भी खास नहीं था भी तो। मिर्गल है, मिर्गल मिर्गल ही है, मिर्गल का पीस है। छोटा है, लो उठा। बढ़िया पीस है, निस्टे दिन होता तो निसट ला भी ना सब बम बम लग ले, बहुत सारे गन लग गए। बढ़िया पीस निकल। अरे रुक रहे भाई, बम तड़पड़ करते पर नहीं मिर्गल। खून कितना उसके अंदर है, कटला है ना? नहीं मिर्गल है भाई, मिर्गल का पीस। उनकी नजर फटली है, आड़ी थोड़ी फटली आती है। रख दो रख दो रख दो नीचे रख दो, पेट में घुस गए, पकड़ो ना उसका हाथ से। नहीं गल लग गल लग गए तो हाँ उनका रहा है। ये सॉफ्ट तो फटक जाएंगे नहीं तो बंद है। लग गया क्या? इसकी माया क्या मत बलती है, चाले कर रही। ये जाल में फंसी है क्या? ऐसे नहीं, उसने पकड़ा है। गए लगा सब आराम कर बनना पानी के अंदर ये देखते हैं अपने छुटी गया साले, क्या मालूम अभी देखते हैं चौथा क्या छुआ तो हुआ, नहीं तो इसके बाद अपन घर पे चलेंगे। हाँ इसमें शायद हाँ है ये चौथा कैच माना जाएंगे अगर ये आ गया तो। देखते हैं, रख दो ना नीचे, फिर इसके बाद डायरेक्ट घर पे चलेंगे। शाम में पार्टी में अपन इसको फिश को देखेंगे क्या करना है, क्योंकि बारिश चालू हो गई है। आज मजा आ जाएगा। वही है क्या? चौथा कैच भी सक्सेस, बहुत बढ़िया। आज तो मेरे हिसाब से तो मेरी चांदी सोना सब हो गया है। इसको ऊपर रख के प्यार से निकाल लेते। तड़पड़ बहुत करती है यार। रंद, रंद, रंद। क्या फड़फड़ करती हो, बहुत ताकत हो नहीं होता। क्यों ये आ गए अपन घर पे। ये अपनी टोटल फिश है चार, जिसमें एक मरल है, तीन मिर्गल, ये 3 किलो 200 ग्राम है। ठीक है, 3 किलो 200 ग्राम। अब इसको अपन वापस पानी में रखेंगे। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहे और वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर करें।